यहाँ स्कूल में आते हैं तो एक सांसद के रूप में नहीं आते, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो एक गांव के नागरिक या गांव के बंधु या गांव की स्कूल मानते हुए आते हैं। तो गांव में जाए काम भी करवाओगे? करवाओ ना जाए, अब यार रोड है तो अब की गिरवाड़ी है नहीं, पहले हटेगी बस तो दूर है, गाड़ी भी जानो महाभारत। अब एम पी बन गए तो अब केवन पीएम बना सो? अब मैं तो प्रधानमंत्री की सोच रहा। पीएम प्रधानमंत्री भाई। फ्लिक का होली धमाका कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स पाए मात्र 3500 रुपए में। ऑनलाइन पढ़ने के लिए फ्लिकी ऐप डाउनलोड करें, ऑफलाइन ज्वाइन करें गोपालपुरा बाईपास जयपुर। यादें शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव-पांव चली, सफर जो धूप का हुआ तो ये तजुर्बा हुआ कि वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। राम राम जी, झलको झुंझुनू को सगड़ा दर्शकान अरुण को प्यार भरो नमस्कार। कैमरा मैन उमेश के साथ आदाब है पहुंचा हाँ कमाल सर गांव में। वो कमाल सर गांव को नाम सुनते हैं अपने जहन में सिर्फ एक ही बात आवा है, अपना सांसद जी नरेंद्र जी खींचड़, क्योंकि यह बाको जो है वो पुश्तैनी गांव है। बाको बचपन उरे बीतेड़ो हो, उरे बे खेलिया हा, उरे की स्कूल में बे पढ़िया हा, उरे के लोगों का सागे बे बाको जो बचपन जो है वो सगड़ो है उरे ही बीते हो। अभी आप बैठे हाँ कमाल सर गांव के चौक के ऊपर और उठे जो है वो जनता भी काफी खड़ी है, अपने सांसद जी माँ के हम उम्र भी काफी लोग उरे ही, तो वहां से जान लिया हाँ कि माँ को बचपन जो है उरे कह को सुखे गुजरे हो। तो राम राम जी। राम राम जी। तो अपने सांसद जी ही नरेंद्र जी बांध जानता होगा? बिल्कुल अच्छी तरह। तो बचपन सागे निकलो तारो? बचपन सागे। तो बचपन में जाए बाकी के कोई के खास चीज ही बाकी? शिक्षा के प्रति ज्यादा रुझान। टावर बड़ा बदमाशी कौन करता है? नहीं सिंपल पढ़ाई में ध्यान रखता। पढ़ाई में ध्यान बाकी जाए घर अब जाए अब भी गाँव में आवेंगे? हाँ संपर्क मैंने गाँव के साल में आवेंगे मन्ना मजे ही नहीं मन्ना मजे एक दो बार गाँव में जाए आवी तो जाए सबके साथ के साथ मिलनो जुलनो सब चालू रखें बच्चे सेन बुढ़े सेन जवान सेन। गांव में कितनी साल रही है वे? गांव में पांचवी तक तो यहाँ से पढ़ाई पूरी की, उसके बाद वो बिसाव से की थे शायद आपके मामा जी के बी के बाद में कॉलेज करी फतेहपुर से। गांव में आवी जना मैं उरे हमरा चौक पर बैठनो जाए आपा उरे बैठना ही साहब के हिसाब से। अच्छा जैसे आपा बैठा ना वे नीचे बैठना ऐसा नहीं कि कुर्सी लाओ ये लाओ। मतलब जहाँ भाया बैठा आपस का मिलजुल की बात करा हाँ वो रहे गांव में सदा ही लगाव रहे अभी भी लगाव पूरा आवे ही पे गांव में तो सब सब सागे मिलनो जुलनो सब बहन है चालू है। हाँ बहन जय पहली हो भी साथ से जय बस बड़ा हो के छोट बड़ा होगा थोड़ा सा बड़ा तो अब भी जय आवे ना मतलब चौक में बैठना पे करना काम सब गांव में हर चीज देखे भी ताश खेल लेंगे सागे सागे ताश भी खेल लेंगे बैठे अब भी आओ तो अभी ताश नहीं कराए दिखेगा ये जाओ ठीक कराए और सब डांस भी कर लेता है बड़े हो जिद भी साथ रहा फिर स्कूल की जिद भी साथ था राजनीति में भी साथ यहाँ और हर काम में गाँव में आवे पूछे गाँव की राय ले जो भी काम है पूछ के करें। थे जाए उरे का पूर्व सरपंच रेड़ा होगे? हाँ जी पूर्व सरपंच रेड़ा तो जाए थे बता रहे हो कि चुनाव का टाइम थे बाको साथ दियो तो वे भी थारो साथ दियोगे सिर्फ इतना टाइम नहीं मैं सरपंच पहली बनियो को बाद के मैंने एमएलए बनियो और राजनीति में बाद में आयो मेरे साथ के समझो बटे शुरुआत बटे से भी बड़ी है। हाँ राजनीति से पढ़ाया करता है तो मतलब राजनीति के की तरफ आपको रुझान के वजह से हो राजनीति को तो स्कूल जीवन से ही हो पते पर पढ़ाया करते तो भट्टा से भी चुनाव लड़े हो कॉलेज से भी कॉलेज से चुनाव लड़े हो भट्टा से भी लड़े हो भट्टा से शुरुआत हुई है। एक तो आज एक तो आलसी को नहीं मेहनती बहुत ज्यादा है और एक जगह काम ने ठान ले भी काम के लगन बहुत ज्यादा है दृढ़ निश्चय है वो काम करना है तो करना ही है भी क्या मैंने वो गुंजरा का फर्क। हाँ साहब वो पहले फर्स्ट चुनाव जो लड़े हो निर्दलीय बिल्कुल साथी आदमी हैं बीरबल बजरंग नरेंद्र देवकर्ण तो भी जब कोई कारण दियो के कोई राग गयो जो एक हीरो भेज जाओ हाँ बोले हीरा भेज दियो तो आंगनियो जो दे दियो दो गवाह बना लिया दो गवाह बनाया कुड़न लाद जा बोले बीरबल बजरंग लाद जा वहां बोले पावटी दे दिए हमर ली अब मान बीरबल बजरंग ने बोला वो हीरो कह को हो थे हाँ थे नाके जाओ हीरो बना के लिया वो कह को हो हीरो जना एक जोड़ हो जोड़ हम कांप ही अब मान तो कह भी रहो मैं तो वो हीरो यो कोडे को बड़ो तो टोल बांधी बोले ए गवा लियो आ बात है यहाँ ए उदाहरण देखी और पहले चुनाव लेके एमएलए बनता बनता आज एमपी पहुंच गया दिल्ली पहुंच गया मान लो फार्मूलो काम करे उदाहरण वालों। सबसे बड़ी हमारे गांव की खासियत है कि इनमें सात भांति का लोग रह की हर धर्म का और एकजुटता है आज भी हमारे गाँव में। बाकी पहले चुनाव में 998 वोट समथिंग है पहले चुनाव में मांगे एक तरफा पड़ा गांव के प्रति तो सुने है कि गांव यो गांव है एक माँ गौरव पथ बनानी है नई टंकी को निर्माण करवाना है गांव में जितो भी कार्य है बन कह दियो तो भाई यहाँ कौन देखियो कि भाई मैं कौन करवाऊँ ना बिल्कुल
पहली चोट अग्रणी होगी और गांव के मैं यो काम करवाऊं भाई। और गांव में पार्टी बंद से तो भाई कोई मत तालुका को नहीं, एक तरफ है मारो बांग के प्रति गांव जो की कोई समस्या ही को नहीं। गांव को युवा है वो भी बांग के प्रति एकजुट है, हमारे गांव की एक युवा संघर्ष समिति की टीम है, बा जद भी वह आवे गाँव में तो कहने के इन्फॉर्मेशन करें तो भी मैं पूरी की पूरी टीम है बांके लिए एकजुट होकर काम करे। और हमारे गांव में तो बांके पट्टी को नहीं, पूरे गांव में भी कोई छोटो सो भी आज प्रोग्राम है कोई के भी तो बा युवा संघर्ष समिति की टीम है, बा हर घर में पूछ की और मतलब कार्य करें। हमारे गांव में मुस्लिम समाज का भी रोग है तो आज कोई के ब्याह है शादी है कोई अनहोनी दुर्घटना है तो भी युवा संघर्ष समिति की टीम है पूछ की और घर का आदमी ने सदस्य ने पतो भी पहुंचा लिया कि भाई अपने घर आपका क्या परेशानी है, वह गांव की युवा संघर्ष समिति की टीम है वह पूरों को पूरो और कार्य में रुचि दे। थे उरा का हेडमास्टर प्रधानाचार्य जी हो? हाँ, यहाँ मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और सितंबर 2019 में यहाँ आ गया था। आप बात करें कि ये गांव का जो कमालसर गांव का जो अपने सांसद जी नरेंद्र जी तो वह पांचवीं तक जो है वो ये स्कूल में पढ़ा है तो अब जया कोई भी प्रोग्राम हो स्कूल में तो वहाँ कोई स्कूल में आनो जानो रह के बिल्कुल सांसद जी को ये मानो कि करीब करीब जब भी कोई प्रोग्राम होता है उनको हम इनवाइट करते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो आते भी हैं या फिर कोई रीज़न होता है तो रीज़न बता देते हैं कि इस कारण से मैं यहाँ बिजी हूँ या कहीं गया हुआ हूँ, उस हिसाब से वो नहीं भी आ पाते हैं कई बार, लेकिन यदा कदा अपने घर मानते हुए आ जाते हैं वो करीब करीब ऐसे कैसे मतलब जैसे भी कोई उनको मौका लगता है जैसे कोई गाँव में प्रोग्राम हो उस समय भी स्कूल में घूमने के लिए आ जाते हैं, देखते हैं स्कूल मेरी कैसी है क्या है। तो भैया पांचवीं तक से पढ़े रहा है तो बाको कठिन कठे स्कूल से लगाव है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जहाँ तक स्कूल से और गांव से लगाव है तो ये मान के चलते हैं कि मेरा गांव है मेरा स्कूल है और अपने आप को इतना बड़ा मानते हुए भी ये मान नहीं मानते कि मैं इस गांव से कटा हुआ हूँ। बिल्कुल गांव से अभी भी उनका वैसे लगाव लग रहा है और स्कूल के अंदर भी आए थे चार पाँच दिन पहले भी आए थे कि थोड़ा सा इसमें देखें कि किस प्रकार से व्यवस्था हो रही है मैंने क्या कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों को लेकर भी स्कूल में आते रहते हूँ। तो बन को जाए स्कूल के लिए कोई सहयोग मांगो करेड़ो है? स्कूल के लिए जब MLA थे उस समय भी उन्होंने 5 लाख रुपए स्वीकृत किए थे लेट बात के लिए, शौचालय बनकर उनके तैयार हो गए हैं सामने हैं और उन्होंने अपने माताजी के नाम से भी एक मुख्य जन सहभागिता योजना के अंतर्गत कुछ राशि समसा में जमा करवाई थी, उससे कमरा भी तैयार हो गया है और वैसे भी सरकारी कार्य के लिए भी तैयार रहते हैं जैसे समसा के अंदर 2 कमरे पास करवाना और उनका जो भी कार्य है वो तैयार रहते हैं। तो मतलब पूरे सांसद के तौर पर तो आवे ही पर भी का अलावा भी जाए बाकी खुद को गांव है बाकी स्कूल है तो भाई प्रेम के प्रति भी जाए उड़ानो जानो रहा है? बिल्कुल, यहाँ स्कूल में आते हैं तो एक सांसद के रूप में नहीं आते, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो एक गांव के नागरिक या गांव के बंधु या गांव के स्कूल मानते हुए आते हैं। कभी जैसे मान लो एक प्रोग्राम करते हैं घर के ऊपर तो भी अपने आप को ये मानते हैं कि विद्यालय मेरा एक अभिन्न अंग है और विद्यालय के साथियों को या विद्यालय के बच्चों को इन्वाइट करने के लिए वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद में एक बार फिर और आए थे तो कहने वाला उनका आना जाना स्कूल में रहता रहता है, ऐसी बात नहीं है कि वो एक सांसद के रूप में होते हुए यहाँ पर अपने आप को ये माने कि मैं बड़ा हो गया यहाँ नहीं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अपने आप को इस गांव का सदस्य मानते हुए आते रहते हैं स्कूल के अंदर। तो जहाँ सांसद जी आपने नरेंद्र जी ही तो कोई भी प्रोग्राम हो तो स्कूल में आवेंगे? हाँ आवे जाए तो थार जाए बच्चा से भी मिलनो जुलनो वो सब रिश्तेदार रहेंगे? हाँ मिली ही, कमजोर बच्चा की भी मदद करी ही, प्रोग्राम हुआ है बामा भी आवी ही और मैंने भी गिफ्ट भी दियो हो प्रोग्राम पर। स्कूल के अंदर लाइट आती है वो सप्लाई बंद होने से हमारे कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाते हैं, स्कूल का कार्य भी बंद हो जाता है जो भी हमें ऑफिशियल कार्य करने पड़ते हैं, अगर लाइट की व्यवस्था हो जाए तो बहुत शानदार हो जाए। हालांकि हमने गांव वालों के सामने मांग रखी थी और गांव वालों ने मांग हमारी स्वीकार भी की है और ये आश्वासन दिया है कि लगभग जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर सोलर सिस्टम से जो सोलर प्लेटें लगती हैं वो यहाँ लगा दी जाएंगी और स्कूल के अंदर लाइट की समस्या नहीं रहेगी। आपने जो सांसद जी ही बेबी कमाल सर का ही थे भी गांव का रहने वाला हो तो थाना बाके बारे में थारी के राय है? साहब मारी राय तो बाके बारे में आई है कि बहुत ही नेक दिल इंसान है, वह बहुत बढ़िया आदमी है और जब भी गाँव में आवे तो यानी बस मेल जोल होता ही रहे। तो गाँव में जाए काम भी करवाएंगे? करवाओ ना जाए, अब रोड है तो आप बाकी गिरवाड़ी है नहीं पहले हटेगी, बस तो दूर है गाड़ी भी जानो महाभारत। अब MP बन गए तो अब केवन PM बना शो? अब मैं तो प्रधानमंत्री की सोच रहा। PM प्रधानमंत्री भाई। हाँ प्रधानमंत्री की सोच रहा। अरे मारे तो छोटो सो काम होने सोटन भी होने तो घर आकर कन बैठ कर आप घरेलू बात कराने मैं बात करगी आइया कौन गए आज आप MP बन गया तो कौन चलना बैंक में लगे 80 दिन तो मैं ढूंढ रहा करता पर तो बैंक में लगे मार्केट रहे तो सियाड़ो को टाइम होना बोले यार अपने अब सब्जी रोटी बनावा टाइम लगा अपन टाइम गुड़ खानो चाहिए अपन बोलियो तो आपने बोले मीठा चावल बना लिया करो एक टाइम बोलियो तो भाई चावल में खाया करता सब ने मार सका एक मकान में रहा।
बटे सागे खाना बनाता सागे रहता मैं बैंक में जाता मैं पढ़ता सिद्धांति मतलब जो ले दो गाल काट इन्हें चलो जी आगे चलो राती जाने वाला दिल पर कौन लगा खाना मतलब जा मतलब आज राती जुग हमारे अभी तड़के कोई काम है तो बाको लड़को है ना बे दिल्ली आ लड़को है उस गांव का बटे से चाल की झूलने से सिकर जा रहे हो वो सिकर से दादी गन से वापस गाड़ी मोड़ की सूचना होने पर और मेरी माँ माता जी खत्म हो गया 90 साल का तो जोड़ माँ की और शमशान भूमि में और फिर घर आके फिर वापस सिकर गए हो सूरज है वो सांसद जी को गाँव है एक माँ कमाल सर में एक लीसी बन रही दिख है या तो क्या के लिए बन रही है ये गेस्ट हाउस बना रखा है गाँव के लिए गाँव का जहाँ गाँव के काम में लेने ब्याह शादी के मैं बरात वरुत उतारने के लिए तो सार संभाल की जिम्मेदारी की है गांव वाला की है की मतलब नहीं साहब की है हमारे को छोड़ रखा है ना अच्छा, सार संभाल के लिए आपने सांसद जी नरेंद्र जी ही तो बाको आनो जानो रहेगी हाँ रहे 5-10 दिन से आते नहीं 5-4 दिन से बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रखे है कद बने हुए मतलब यो 2017 में तैयार हो गए फ्रेश हो 5 अक्टूबर 2017 जो गेस्ट हाउस है अपने बन रहे हो कमाल सर में अपने सांसद जी नरेंद्र जी के गाँव में गाँव वाला के जहाँ की बता रहे हैं की पूरे बरात उतर जा कोई भाई का काम हुआ तो दिख ले इन काम में लियो जा थारी आपने सांसद जी नरेंद्र के प्रति के राय है मन कमेंट बॉक्स में थारी राय जरूर दो साथ में वीडियो शेयर और लाइक करना मत भूल जियो और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं करे हो तो जरूर कर लीजियो करना नोटिफिकेशन बेल को निशान है घंटी को निशान है बिन दबा लियो ताकि आना वीडियो मारा था हाथों हाथ मिल जाए और जल को जुनू बताओ प्यार ऐ बनाए रखो।